Hi friends, this is your Subhani Sheikh. Today we are going to be discuss snakes. Toolbox talk. So, दोस्तों नमस्कार. आज हम लोग toolbox talk सांप के बारे में जानकारी लेंगे. Generally हम लोग construction site, industry और कोई भी तरह का घर पे हो, कई जगह पे भी हो, तो generally हम लोग ये मौसम का समय में स्नेक बाइट को हम लोग देते रहते. तो हम लोग को ज़्यादा जानकारी उसके बारे में तो नहीं होता, लेकिन फिर भी हम लोग डरते रहेंगे. तो देखो, डरना तो अहम की बात है, ताकि सांप को देखने से हर कोई आदमी डर जाता. बट यहाँ पे सांप जो है 270 टाइप का सांप इंडिया में है. तो उसमें से हम लोग को देखो चार मेन जो है सांप, उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ. तो आप ध्यान से देखिए. देखो दोस्तों, इसमें से 270 में से 60 प्रकार का जो है वो बहुत खतरनाक होता है. उसमें से कॉमन काइर, सासलाइट वाइपर, इंडियन कोबरा और रसेल वाइपर. तो इसमें से हम लोग सबको जनरली हमको पता है कि कोबरा यानी जो नाक बोलते हैं, तो वो सब हमको पता है. बाकी तो उतना ज़्यादा हम लोग को जानकारी नहीं होता, फिर भी हम लोग जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है. तो हम लोग क्या करेंगे, तो अगर सांप मिल जाता है, अगर सांप को देख रहे हैं, तो हम लोग क्या करना है. देखो दोस्तों, यहाँ इंग्लिश में लिखा है, तो हम उतना नहीं, ऊपर में मैं आपको बता रहा हूँ. अगर क्लीन पाथ में अगर चलने की कोशिश करो, तो मैक्सिमम सांप वगैरह अगर हो नाइट में, नाइट के टाइम में ऐसा होने की चांसेस हैं. तो किसी जगह पे हम लोग नाइट में जा रहे हैं, तो हम लोग टॉर्च का इस्तेमाल करो, और कोई साउंड वगैरह करेंगे. तो अगर इनकेस ऑफ सांप भी वहाँ पर है, तो वहाँ से हटने की चांसेस है. और स्नेक स्टिच हैंड ग्लोव्स का इस्तेमाल करते हुए अगर सांप को पकड़ना है तो पकड़िए. ड्रेन वगैरह किसी में हाथ डालने का समय, ये सब का इस्तेमाल कीजिए. और चार प्रकार का है इसको अगर इसमें से अगर हम सांप को देखेंगे तो क्या करेंगे, तुरंत हम लोग क्या करना चाहिए. हाँ, तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ. तो देखो, सांप को अगर आप देख लिए, 95 प्रकार के सांप जो है कि मान लो आपको वो ज़्यादा जहरीला नहीं होता, नॉर्मल सांप होता, तो हम लोग कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान से रहना है. हाँ, तो देखो, इमीडिएट हम लोग नेक्स्ट थिंग टू विल बी डिपेंड ऑन योर वेयर यू आर. इफ यू आर आउटडोर एंड इट इज़ लाइकली दैट नो, ये सब इजी तो इंग्लिश में है, उतना ज़रूरी नहीं, मैं आपको इमीडिएट बोल रहा हूँ. तो इमीडिएट हम लोग उसको फर्स्ट एड देने की ज़रूरी है. फर्स्ट एड अगर जानकारी हो तब भी देने का, अगर नहीं कोई काट पाट नहीं करने का, और वहाँ मदर्स इमीडिएट हम लोग इमरजेंसी के लिए कॉल करने. अगर आपके साथ में कोई बंदा हो तो कोशिश कीजिए कि वो क्या कलर का था, कितना लेंथ था, ऐसा अंदाज में अगर देखेंगे तो ईजी से आपको ट्रीटमेंट करने का भी एक चांस होता, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, अगर सांप अगर बाइट होता हो तो. तो यहाँ पे देखिए, व्हाट टू डू इफ यू आर बिटन बाय स्नेक. अगर सांप हम लोग को मारता है तो हम लोग क्या करना है. इफ समवन, अगर कोई किसी को सांप अगर काट देता है, तो हम लोग तुरंत क्या करना है. देखो, सांप अगर हम लोग काट देता है, हम तुरंत क्या करेंगे. यहाँ पे जो दिया है, जो सांप जहरीला है या नहीं जहरीला है, जो भी रहने दो, लेकिन हम लोग सोचेंगे कि जहरीला है, तो इमीडिएट हम लोग अपना पास का जो एम्बुलेंस को कॉल करना है तुरंत. अगर हम लोग कॉल करने से क्या है, इमीडिएट कोई भी इमरजेंसी मेडिकल हेल्प आपको मिल सकता है. तो इसके साथ साथ में देखो, यहाँ पे फर्स्ट एड में 1, 2, 3, 4 स्टेप्स जैसा बताया है जो फीचर में, इसी तरह से अगर आपको जानकारी है, आपके पास फर्स्ट एड है, तो आप लोग ये कर सकते हैं. लेकिन देखो दोस्तों, जनरली ये लोग करते हैं, लेकिन ये नहीं करने का. डू नॉट मत काटिए बाइट वुंड. तो जहाँ पे सांप मारा है वहाँ पे काटना मना है, बिल्कुल काटना नहीं है. अटेम्प्ट टू सक वेनम, नहीं, अटेम्प्ट टू सक मतलब खींचने के लिए कोशिश करेंगे मुंह से वगैरह, जो वो नहीं करने का. और आइस वगैरह पानी से ये कुछ नहीं करने का, जहाँ पे सांप मारा है उस जगह के लिए ये बिल्कुल मना है, मत कीजिए. देखो सा स्केल्ड मतलब कि ये जो स्केल टाइप में इसका ऊपर रहेगा, ये जो जनरली है, जो देखो फैमिली इसका 5 टाइप का फैमिली से, मतलब इसमें से जो टाइप से है, मतलब एक फैमिली का जो मतलब बीन दूसरा होता है, ऐसा बोलते हैं ना. तो इसी तरह का जो स्मॉलेस्ट होता है, यहाँ पे जो दिया है 30 सेंटीमीटर यानी 11 इंचेस, 65 इंचेस बोल के दिया है, तो इसी प्रकार का होता है. तो क्या है, तो रबर जैसा होता है, सेक्शन देर बॉडी टुगेदर जो रबर होता है, ये भी जो खतरनाक स्नेक है, अगर इस प्रकार का भी अगर काट देता है तो बहुत डेंजर है. तो तुरंत मेडिकल असिस्टेंट को हम लोग कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होती. तो ये एक टाइप है कि इसको भी, ये दूसरा टाइप का है, ये भी थोड़ा डेंजरस सांप है. तो जनरली दोस्तों, ये सांप तो
मैक्सिमम लोगों को पता है, ये सांप को एक दो बार मैं देखा था कि वही जग में, ये तो करीबन 2 मीटर तक होते, जो 6 फीट के तक तो होते और इससे भी बड़े होते मैं जो देखा था। तो खास करके बादम का पेड़ के पास ये भोज सांप को मैं देखा हूँ, जब हम लोग बाबा अटामिक रिसर्च जो कंपनी में काम कर रहे थे इसी टाइम में देखे। तो ये बहुत सारे खतरनाक होते, निंजा बोलेंगे आपको इसको, कोबरा बोलेंगे, बहुत सारा डर लगता है, बहुत सारा मोटा। देखो इसमें और भी एक टाइप का है जो रसेल वाइपर, रसेल वाइपर तो ऑलरेडी हम आपको बता चुके थे, इसी टाइप का है जो रसेल वाइपर। तो हेडन ये जो है, जो राउंड राउंड में जो आपको लगेगा कि ये जो नाग टू, इसका भी 2 टाइप्स का है, तो इसका फैमिली से ये भी थोड़ा खतरनाक है। तो चुना मुना 4 टाइप का सांप बहुत सारा खतरनाक खतरनाक है। तो ये खतरनाक सांप से बचने का एक ही तरीका, अगर मैक्सिमम आप उस सांप का एरिया में जाने का ही मना कीजिए अगर आपको मालूम है तो। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं कॉमन क्राइट। ये जो होता है, अगर ये कोबरा मारने से जितना जहर चढ़ता है, इससे 15 गुना जहर इसमें रहता है। तो दोस्तों ये नॉर्मली क्या है, ज़्यादा मोटा सा नहीं होता लेकिन लंबा होता, और इसके साथ साथ में ये जो पतला सा होता है, जो काला कलर का, उस पर उजला 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 होता। तो ये 4 टाइप का सांप जो है बहुत खतरनाक है ये इंडिया में। तो हम इंडिया के बारे में बात करेंगे, तो इंडिया में तो इससे हम लोग थोड़ा जानकारी लेना ज़रूरी है। तो इसमें से हम लोग अभी बता रहा हूँ, एक देखो यहाँ पे, 2 3 4। हाँ दोस्तों, ये 4 टाइप के सांप को तो आप लोग देख लिए। तो हम लोग खास करके जब बाबा अटामिक रिसर्च बोल के एक कंपनी थी, तो उस कंपनी में हम लोग जब काम कर रहे थे, तो वहाँ पे बहुत सारा जहरीला सांप होता था। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन कर समय में जनरली क्या है, उसी जगह पे हम लोग छोटा मोटा जो मकान डाल के अपना वर्कर वहाँ पे रहता था। तो खास करके हम लोग एक ऑब्जर्व किए थे, ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो अगर हमारा जो लेबर कैंप, जो जहाँ पे लेबर कैंप है, लेबर कैंप के सराउंडिंग एरिया में 1 मीटर का गड्ढा करते थे, सराउंडिंग एरिया में 1 मीटर का विड्थ, ज़्यादा नहीं 1 मीटर का विड्थ है, अगर डेप्थ भी 1 मीटर का डेप्थ में करते थे। तो करके हम उसमें जो कार्बोलिक एसिड बोल के आपको जो गोली मिलती और उसका लिक्विड भी मिलता था, तो लिक्विड जगह जगह पे रखते थे। तो क्या है, उस स्मेल से क्या है, जो खतरनाक यानी जो इंडियन कोबरा हो, क्राइथ हो, जो अभी मैं इस वीडियो में इससे पहले आपको बताया था, इसी तरह का जो भी अगर कोई सहीरड़ा सांप है उस आसपास पे आता नहीं था। तो इससे पहले हम लोग वो कंप्लेंट लिए थे, तो लेकिन हम लोग जो ये फैसिलिटी करने के बाद कोई भी नहीं। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है, कोई नॉर्मल जानवर उस जगह पे घूमना नहीं है, अगर वो खा लेता तो वो उससे जानवर को प्रॉब्लम है। तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हम वर्कर का अंदर में घुसाने की बहुत संभावना है। तो एक टाइम में ऐसा भी हुआ था, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो एक टाइम में ऐसा भी हुआ था, तो जब सांप मारा था तो हमको आसपास में कोई भी तरह का हॉस्पिटल वगैरह नहीं था। तो ये हम लोग किए, लेकिन ये सच्चे, ये मतलब ये जो करना है ना करना है ये तो मालूम नहीं, लेकिन जो किए है एक्सपीरियंस आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, बस इतना ही है। जो ये 100% गारंट तो आपको नहीं बोलता हूँ, लेकिन जो हम लोग उस टाइम पर जब सांप मारा था, हमको सांप क्या सांप मारा था हमको पता नहीं था। तो उस टाइम पर हम लोग एक नीम का पत्ता आप जानते होगा, तो नीम जो है, नीम का पत्ता को उसको खिलाए थे। तो जनरली नीम का पत्ता होता है जो ये जो कड़वा बोलते हैं, यानी जो कसाला बोलते हैं, तो उस टाइप का होता है। लेकिन जब ये खा लिया था बंदा, तो उसको कोई भी टेस्ट, अगर मतलब कि जैसे कि वो कड़वा होना मांगता, अगर कड़वा होगा तो मान लो कि वो जहरीला स्नैक नहीं है, अगर नहीं मीठा लगता तो वो जहरीला स्नैक है, ऐसा बोल के वहाँ पर लोकल का कोई बंदा बोला था। लेकिन उसको 100% हम लोग नहीं ले सकते, फिर भी इमीडिएट आप इमरजेंसी कॉल कीजिए। तो इमरजेंसी कॉल करने से क्या है, कोई एम्बुलेंस वगैरह आता है उससे पहला, जो हम लोग को अगर जानकारी है बराबर तो फर्स्ट एड कीजिए, अगर नहीं तो नहीं करने का बिल्कुल मना है। और ध्यान देना है कि जिस जगह पे हम लोग काम कर रहे हैं उस जगह पे हमेशा के लिए हम लोग अपना वर्कर को मान के ध्यान से ट्रेनिंग्स अवेयरनेस देने की अपने ज़िम्मेदारी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो आपको एक अवेयरनेस, उसी तरह से वर्कर में हम लोग अवेयरनेस देने का बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, वंस अगेन थैंक यू।